हेलो दोस्तों, तो आज के दिन में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो भी देखेंगे, और साथ में ये चीज देखेंगे कि मार्केट में कल के दिन में मैंने ऑप्शन सेलिंग की जो रणनीति बताई थी उस टाइप से कैसे काम किया जाता है और कैसे इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सा तरीका होता है, लेकिन तरीका को आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न बनता है। और इसको आप समझिए, देखिए ये जो वीडियो होगा ऑप्शंस जो ट्रेड करते हैं नहीं करते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो वीडियो है ना इसमें हमें ऑप्शंस की पूरी क्या क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे इससे बचना चाहिए, कब कौन सा ऑप्शन सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा देखिए, स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा देखिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं कि अगर एक पुट ऑप्शन का चार्ट देखते हैं, और एक देखिए पुट ऑप्शन का इंट्राडे चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है ये, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, ये देखिए पुट ऑप्शन जो है यहाँ पे, ये पुट ऑप्शन का चार्ट है। और अगर यही चीज हम कॉल ऑप्शन के देखें तो देखिए कॉल ऑप्शन का चार्ट है, और कॉल ऑप्शन के चार्ट को अगर आप देखेंगे कितना बड़ा टाइल है। ठीक है, ये ऊपर नीचे इस टाइप से, इसको हम अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या इसमें किस टाइप की साइकोलॉजी होती है। आप अगर ये दोनों ऑप देखते हैं ना तो किसमें ट्रेड करना, आप सिंपल सा एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि किसमें ट्रेड करना आसान है। यहां से आपने मान लीजिए कि देखिए ये पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन में अगर आप देखिए आसानी से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आपने इस लेवल पे आपने व्यू बनाया कि ऑप्शन को सेल करना है, मान लीजिए इधर से कर रहे थे तो एक अलग ही प्रॉफिट में चल रहे हैं, वो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपने आज इंट्राडे में व्यू बनाया कि ये इसको आज सेल करना चाहिए, ठीक है, तो आपने इस रेंज आसपास में 100 रुपये आसपास में आपने इसको सेल कर दिया। ठीक है, इसका देखिए हाई है 113 का, और ये जो पूरा रेंज की हम बात कर रहे हैं तो आपने ऐसे ही एक सिंपल लॉजिक समझिए, 100 रुपये 104 रुपये जो भी रेट मिला आपने इसको सेल कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें कि इतना होने के बाद प्राइस में एक नीचे की तरफ मूवमेंट आया, आपका जो इस ये जो लो लगाया ये 78 का लो लगाया, देख रहे हैं आप 78 का लो लगाया इसने, यानी कि 20 पॉइंट आपको प्रॉफिट हुआ। यही चीज आप अगर कॉल ऑप्शन में देखिए, कॉल ऑप्शन में आपने बहुत ही एक्टिवली ट्रेडिंग की, आप एकदम पूरा एक्टिव स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, आपने यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखा और यहाँ पे आपने एंट्री किया, क्या लेवल था 90 का लेवल था। ठीक है, इसके बाद देखिए एक अच्छा मूवमेंट आया और आपका प्राइस चला गया 110, लेकिन कितना पॉइंट मिला, 20 पॉइंट मिला। इसमें देखिए रिस्क कितना है, यहाँ से अगर ये गिरेगा ना तो ये सब जोन में एग्जिट करना आपके लिए काफी मुश्किल होगा, और पता चलेगा कि बहुत ही स्पीड में ये बहुत ही नीचे आ गया, और आपका ये जो है ये 100 रुपये वाला कॉल जो आपने 90 रुपये में कॉल खरीदा था वो 50-60 के जोन में कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और आपको बड़ा लॉस दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज को समझिए, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे हुआ ना, अगर आपने यहाँ पे अगर किसी भी कारण से ब्रेकआउट से यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे आपने सोचा कि चलो फिर से ब्रेकआउट हो गया, अगर पकड़ लिया तो देखिए कितना स्पीड में ये इतना बड़ा लो लगा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज समझना है कि मार्केट में जो ऑप्शन बाइंग कब करना है, कब सेलिंग करना है। कल के वीडियो में इसीलिए मैंने बोला कि ऑप्शन बाइंग अभी उतना मजेदार नहीं मिलेगा था, कि नेट नेट क्या हुआ है, कहीं गया नहीं है, एक्चुअली में ये ऊपर गया नीचे गया आपको परेशान किया, लेकिन इसमें कोई बड़ा लॉस या बड़ा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन आपको इसको समझना है कि यहाँ पे अगर आप पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो ये आपका नीचे आया, अगर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया फिर वापस यहाँ पे आ गया, कोस्ट पे भी नहीं आया है, वापस फिर से एक फ्रेश लो लगाने के लिए नीचे आ गया, तो इसमें आपको ट्रेड करने में बहुत ही आसानी होगा। इस चीज को आप समझिए, आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि आप कभी इसमें लॉस नहीं देखेंगे। सेम चीज अगर आप यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे खरीद लिया पार्शियल प्रॉफिट, यहाँ पे बुक किया आपने, इसके बाद फिर वापस उस कोस्ट से भी नीचे आ गया, आपने जो 90 पे बाय किया इसने लो लगा दिया 80 का, ठीक है, फिर से 80 का लो लगाने के बाद इस टाइप से ये सब जो फ्लक्चुएशन होगा ना, इसमें आप ट्रैप हो जाएंगे, पक्का है इसमें आप इसमें इतना आसानी से आप इसमें से निकलने नहीं पाएंगे और इसमें फंस जाएंगे। इसीलिए इस टाइप की ट्रेडिंग मैं आपके साथ सजेस्ट नहीं करता। देखिए है तो आप इंट्राडे में इस टाइप से कर सकते हैं, इसको अगर आपने मूव को पकड़ लिया, आपने साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं किया और अपना एक प्रॉफिट हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें फंसे हुए रह गए, आपने सोचा कि पोजिशनली अभी मार्केट ऊपर ही जाएगा, आप कॉल को बाय करके रखते हैं, तो ये सब जो ट्रैपिंग होगी ना इसमें आपको प्रॉफिट लॉस कुछ होगा नहीं, हो सकता है कि लॉसेस ही हो जाए, क्योंकि देखिए इसमें इतना एंट्री और एग्जिट करना उतना ईजी नहीं होता है जितना आपको चार्ट में दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को समझ लीजिए कि ये जो मार्केट है कब कैसे बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर को समझिए और उसी के बेसिस पे। अब देखिए यही चीज अगर आप ये सब इस कॉल ऑप्शन के चार्ट का अगर आप 2-3 दिन पहले का देखेंगे ना तो उतना खराब मूवमेंट नहीं था। अब देखिए कितना ये ऊपर की तरफ मस्त ट्रेंड में चल रहा था और ये सब कॉल में हमने ट्रेड भी किया था, लेकिन जब और देखिए हर बार एक अच्छा ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ का टारगेट दे रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या टारगेट दे रहा है, बहुत नीचे आया बहुत ऊपर आया, इतना ज्यादा जब फ्लक्चुएशन होगा ना तो इसमें आपको प्रॉफिट बनाना मुश्किल होगा। इसमें क्या होना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग होना चाहिए।
तो मार्केट में कब ऑप्शन सेलिंग कब ऑप्शन बाइंग करना है ये चार्ट के स्ट्रक्चर पे मैं डिसाइड करता हूँ। और ये चीज हमारे जो एनालिसिस है आप इस यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आएगा कि एनालिसिस जैसे मैं बताता हूँ मार्केट में उस टाइप का ही बिहेवियर मैक्सिमम टाइम में आता है। कब कंसोलिडेशन होगा, कब आपका मार्केट ट्रेंडिंग होगा, कहाँ पे आपको अग्रेसिव ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीज सीखना पड़ता है। डिस्क्लेमर ये है कि एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का अगर कोई डिसीजन आप लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेके लीजिए। देखिए जो चार्ट का स्ट्रक्चर है काफी शानदार है। देखिए ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर मैं देखिए ऑप्शन सेलिंग पे अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। देखिए मार्जिन ज्यादा लगता है लेकिन आपको इसमें देखिए साइकोलॉजी डिस्टर्ब कम होता है। ठीक है, अगर आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब कम होगा आपका देखिए साइडवेज मार्केट में भी आराम से आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग साइडवेज मार्केट के लिए भी होता है लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में भी करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। और साइडवेज मार्केट में अगर आप ऑप्शन बाय करके फंस जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम होगा ना। तो कब आपको देखिए कैपिटल के हिसाब से कई बार आपको क्या करना होता है कि आप यहाँ पे देखिए हाई रिस्क वाला ट्रेड कर रहे थे, इधर यहाँ पे हम लो रिस्क पे आ गए। ठीक है, हमें ऑप्शन सेलिंग पे आ गए, प्रॉफिट तो हमको उस टाइप का ही मिल रहा है ना, आपको 20-25 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिल रहा है, उससे ज्यादा तो कोई भी ऑप्शन में मूवमेंट हुआ नहीं है। अगर आपको पूरा ऑप्शंस का चार्ट अगर आप देखेंगे, देखिए जितने भी ऑप्शंस है उसमें जो हाई लो है सब चेंज वगैरह अगर आप देखेंगे तो काफी कम है। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट बढ़ा है ये 4 पॉइंट बढ़ा है, ये 36 पॉइंट बढ़ा है, 29 पॉइंट बढ़ा है, ये 35 पॉइंट घटा है। ये देखिए ऑप्शन सेलिंग में तो ज्यादा इसमें देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ये जो है अगर आपका 20-100 का पुट अगर आप सेल करते हैं तो 34 पॉइंट मिलता है, 20,000 का भी पुट सेल करते हैं तभी 20 पॉइंट मिलता है। जबकि आपको रिस्क वाला देखिए इस ट्रेड को समझिए कि आपका रिस्क कितना हो रहा है, 20-20 पॉइंट से ज्यादा मिल नहीं रहा है कुछ, लेकिन आपका रिस्क अगर इसमें अगर देखिए मार्केट का एक बार ट्रेंड को भी समझा दे रहा हूँ। अगर यहाँ से देखिए ये जो कैंडल आया ना इस टाइप से, इस चार्ट को समझिए, आवरली चार्ट है निफ्टी का, इसमें देखिए इतना बड़ा कैंडल आया ना इस टाइप से, अगर बड़ा बड़ा कैंडल एक आध आ जाता है ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि ऑप्शन सेलिंग में उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना विक्स थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन आपको एक हेजिंग वाला ट्रेड रहेगा, सिंपल सा बात है। अगर आप हेज नहीं करके करेंगे इंट्राडे में अगर आपका लो वगैरह, क्योंकि देखिए चार्ट में क्लियर दिखता है ना, आप थोड़ा सा चार्ट को समझ जाइएगा, जो मैं बात कर रहा हूँ ना चार्ट को समझ जाइएगा तब आपको बहुत ईजी लगेगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बट आप इसको समझिए ना कि एक इस ट्रेंड को ट्रेड करना कितना आसान है, जबकि इसको ट्रेड करना ये जो मूवमेंट है इसको ट्रेड करना डिफिकल्ट है। आप स्कैल्पिंग में आप बोलेंगे कर लेंगे, ठीक है आपने कर लिया वो अच्छी बात है, लेकिन आपको देखिए एक तेज मूवमेंट के बाद आपका दोनों साइड का इतना मूवमेंट आ रहा है ना कि आप इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि आप ट्रैपिंग ही होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं ये डिस्कस करता हूं कि देखिए चार्ट को समझिए, चार्ट में जो पैटर्न बन रहा है उसको समझिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पैटर्न बना, आपने स्कैल्पिंग के लिए एंट्री किया, बहुत ही अच्छी बात है और ये चीज मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका पूरा एग्जिट नहीं हुआ और मार्केट नीचे आ गया तो इसमें आपको लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट ही होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको उतना मजेदार मूवमेंट नहीं मिलेगा। और यही चीज कल के वीडियो में मैंने बताया था ना कि ऑप्शन बाइंग अभी मार्केट में क्यों नहीं करना है, कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मूव दे सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ जाने के बाद या फिर बहुत गिर जाने के बाद एक साइडवेज मूवमेंट या फिर थोड़ा सा करेक्टिव फेज वो आता है, कब आएगा उसको एनालाइज करना पड़ता है। और वही चीज मैं बता रहा हूँ कि उसी जोन में आसपास में हम लोग अभी पहुंचे हैं, तो अभी वहां पर इस टाइप का ये करना है कि अगर साइडवेज मार्केट मिले या ना मिले, अभी हमारा क्योंकि व्यू बुलिश है, हमारा ट्रेंड अगर आप देखेंगे कि निफ्टी का जो ट्रेंड है ये आवरली चार्ट पे अभी भी ऊपर की तरफ ही है, तो इसमें हम बाइंग ही करेंगे। लेकिन बाइंग का क्या रहेगा, ऑप्शन बाय करने के बदले में हम ऑप्शन का सेलिंग करेंगे। ठीक है, अगर आप बाइंग करेंगे तब उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत कम चांस है कि होगा, अगर होता भी है क्योंकि ये पूरा एकदम देख रहा है दिन भर पूरा रेंज में ही मार्केट रह रहा है ना, पूरा एकदम अगर आप आवरली चार्ट में देखेंगे मार्केट जहां खुला वहीं पे टाइम पास कर रहा है, यहाँ पे देखिए यहीं पे भी टाइम पास कर रहा है। तो ये जब इतना बड़ा बढ़ जाता है तो उसके बाद यहाँ पे एक टाइम पास करने का जोन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक करेक्शन भी आ सकता है, टाइम पास भी हो सकता है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इसमें आपको सबसे बेस्ट प्रॉफिट क्या होगा, ऑप्शन सेलिंग करने में। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में देखिए मार्केट तो यहीं पे खड़ा रहा लेकिन ऑप्शन का चार्ट देखिए कितना, आप निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखिए, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखिए आप, ये दिन भर मार्केट क्या किया है, धीरे धीरे करके इस टाइप से ऊपर गया है। ठीक है, और जबकि ऑप्शंस में देखिए ये मजेदार है या फिर ये फ्लक्चुएशन मजेदार है, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है। इसीलिए मैं ऐसी चीज बताता हूं क्योंकि आप इस सब चीज को समझिएगा, जब मार्केट को समझिएगा ना किस टाइप से बिहेवियर होता है, तो
तो आपको ट्रेड करने में काफी आसानी होगा, आप पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमारा देखिए आज के दिन में क्या हुआ, आज के दिन में हमने रियलाइज प्रॉफिट कर लिया 425 का, लेकिन अनरियलाइज में हम 500 छोड़ के चले गए, यानी कि हम नेट नेट यहाँ पे 100 रुपए का लॉस पे ही चल रहे हैं, लेकिन हमें ये जो रियलाइज भी तो कुछ प्रॉफिट हुआ ना। अब इसमें हम देखिए ऑप्शंस में कहाँ बहुत दूर शिफ्ट हो गए, ये 25 रुपए का ऑप्शन खरीदने लगे। क्यों खरीदने लगे? क्योंकि हमें सेफ्टी चाहिए। अभी एक अगर हम यही इसी की जगह पर अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन खरीदते हैं ना, तो उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है। आप इस चीज को समझिए कि अगर हम यहाँ पे वॉच लिस्ट में हम आते हैं, यहाँ पे अगर हम यही फ्लक्चुएशन वाला दूसरा ये 300 वाला कॉल को छोड़ के हम यहाँ पे 20-200 वाला कॉल पे ट्राई करते हैं, 88 वाले पे, तो इसमें देखिए नेट नेट तो 10-12 पॉइंट ही बढ़ा है ना। फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होता है उसमें प्रॉब्लम होती, और अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा इसमें अगर 80 वाला नीचे गिर के बहुत स्पीड में नीचे आ जाता, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी देखिए अभी काफी दूर है, ठीक है। तो इसीलिए हम ट्रेड को यहाँ पे आसानी से मैनेज कर लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा अपना पोजीशन को शिफ्ट कर दिया, और वही चीज मैंने आपको बताया भी था। तो पोजीशन को कहाँ पे कब शिफ्ट करना है, ये ऑप्शंस बाइंग करेंगे तो आपको देखिए, अगर हम ऑप्शन सेलिंग किए होते तो यहाँ पे हमें 15-20-25 पॉइंट तो कम से कम प्रॉफिट होता, ठीक है। लेकिन यह 1200-1300 का प्रॉफिट यहाँ पे नेट नेट में चलता, लेकिन क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग किए हैं, और ऑप्शन बाइंग क्यों किए हैं, क्योंकि लो कैपिटल है, ठीक है। जिसके पास लो कैपिटल है बोलेंगे कि इसमें इस टाइप का मार्केट में आप ट्रेड मत कीजिए, फिर इस टाइप से ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। या फिर आप मार्केट को अवॉइड भी करेंगे, क्योंकि मैंने अवॉइड का भी तो यहाँ पे सलाह दिया ना, कि आपका उस टाइप का ऑप्शन में मूवमेंट जो पहले मिल रहा था वो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन हम मार्केट में बाइंग ही करेंगे, ठीक है। तो इस व्यू को समझिए, इसका जो डिटेल्स में एनालिसिस होगा उसके अलग वीडियो बना दूंगा, अभी के लिए